हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राफेल डील पर कांग्रेस पार्टी के नए वार की। राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। इस बार कांग्रेस एक नई दलील के साथ भारत को बेचे गए राफेल की कीमत की तुलना मिस्र और कतर के साथ हुई डील के साथ कर रही है और बीजेपी पर दोहरे घोटाले का आरोप लगा रही है। सो दिस कम्स डबल स्कैम, स्कैम ए, स्कैम बी। ऐसा लगता है जैसे 2019 की लड़ाई तक राफेल विमान डील के मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने के मूड में नहीं। एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप और नई डील को लेकर बड़े सवाल पूछे गए। इस बार मीडिया के सामने मोर्चा संभालने आए राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस ने इस बार मोदी सरकार को घेरने के लिए विमान बनाने वाली दसॉल्ट एविएशन कंपनी की सालाना रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक दसॉल्ट कंपनी ने मिस्र और कतर को 48 राफेल विमान बेचे। मिस्र को 24 और कतर को भी 24 जेट की सप्लाई हुई, जहां एक विमान की कीमत 1319 करोड़ रुपए आंकी गई। कांग्रेस इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि जब मिस्र और कतर को 1319 करोड़ रुपए में एक विमान बेचा गया, तो मोदी सरकार ने 1670 करोड़ के हिसाब से राफेल की डील क्यों की। नाउ द डिफरेंस फॉर ईच पीस ऑफ राफेल जेट ड्यूरिंग द 11 मंथ्स By the same company sold to Qatar and Egypt and to India, a difference per piece is 351 crore each. That means for 36 Rafale jet fighters, we have paid extra 12,632 crore. यहाँ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2012 में यूपीए की डील में एक राफेल की कीमत 526 करोड़ रुपए पड़ी थी। पहली बार कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि राफेल की खरीद में मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा से भी समझौता किया है, क्योंकि तब सीमाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम 126 लड़ाकू विमानों की जरूरत बताई गई, तो मौजूदा सरकार ने विमानों की संख्या 36 कर दी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल करते रहे हैं, जिसमें ये मुद्दा भी गरमाया रहा कि क्यों डील से एचएएल को हटाकर रिलायंस को शामिल किया गया। लेकिन मोदी सरकार राफेल डील में विमान की कीमतों का खुलासा करने से इनकार कर चुकी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन भी ये साफ कर चुकी हैं कि नया सौदा दो सरकारों के बीच हुआ समझौता है और इसमें गोपनीयता बरतने की शर्त लागू है। ये भी कि नए सौदे में विमान को 2012 के मुकाबले अपग्रेड किया गया है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठे, जिसमें जवाब को टाल दिया गया, ये कहकर कि रक्षा मंत्रालय इस पर जवाब दे चुका है। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। और देखिए दिबांग, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जो राफेल डील का मुद्दा है, इस पर कई सवाल रख दिए सामने मोदी सरकार के। आइए वो सवाल हम आपको बताते हैं, क्योंकि सवालों की एक के बाद एक बौछार कर दी है। पहला सवाल, प्रधानमंत्री के ऐलान से पहले रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी क्यों नहीं ली गई। इसके अलावा दूसरा सवाल, बड़े रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी देने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति से इजाजत क्यों नहीं ली गई। राफेल डील पर कांग्रेस पार्टी का तीसरा सवाल, राफेल सौदे के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया की अनदेखी क्यों की गई। चौथा सवाल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत को दरकिनार क्यों किया गया। पांचवा सवाल, सरकारी कंपनी एचएएल को नजरअंदाज कर रिलायंस को पार्टनर क्यों बनाया गया। तो ये पांच बड़े सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं। दिबांग, अभी तक तो सरकार लगातार कहती रही राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। अब पब्लिक डोमेन में एक रिपोर्ट के आने के बाद क्या सरकार को जवाब देना होगा। देखिए, एक चीज है कि ये एक बड़ी कोशिश है हवाई जहाज को तोप बनाने की, यानी राफेल जो विमान सौदा है उसको बोफोर्स सौदा बनाने की, पर ये चीज़ साफ दिखाई भी दे रही है। इसके बावजूद ये जो मौजूदा सरकार है, जो ऐसे मुद्दों पर और मीडिया में जो चीज़ें उछलती हैं उनको समझने में, उनको जवाब देने में, सटीक जवाब देने में, ज़ोरदार जवाब देने में बहुत आगे रहती है, वो कहीं ना कहीं पीछे हाथ खींचती, डिफेंसिव, रक्षात्मक दिखाई दे रही है। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि क्यों ये रक्षात्मक दिखाई दे रही है। 12,632
करोड़ का ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस की भाषा देखिए, कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। ये कोई हालांकि बात नहीं कर रहा कि इंडियन एयरफोर्स ने ये विमान मांगे हैं, इंडियन एयरफोर्स अगर दोनों मोर्चों पर लड़ना चाहे तो विमान की उसमें कमी है, इस बारे में कोई नहीं बोल रहे। बात हो रही है सिर्फ डील की, पैसों की, क्योंकि उनको मालूम है कि डील की बात लोगों को समझ में आती है, घोटाले की बात समझ में आती है, पैसा खाया, जो पैसे का गोलमाल हुआ, हेरा फेरी हुई, वो बात समझ में आती है। और बीच में ये चीज़ उछली, फिर और दूसरी बातें आ गई, नीरव मोदी का मामला आ गया, अब ये मामला फिर आ गया। मेरे ख्याल से बीजेपी को इसका एक पुख्ता जवाब ढूंढना पड़ेगा और वो जवाब लगातार देते रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस इसको छोड़ने वाली नहीं है और कांग्रेस को दिखाई भी दे रहा है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी रक्षात्मक है। रक्षात्मक है, जैसा आपने कहा, और आपने ये भी कहा कि बीजेपी को अब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सत्ता में उनकी सरकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला देश की जनता भी जानना चाहती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।